ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज की पांच बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। मनसे महिला पदाधिकारी ने मोबाइल चुराने वाले रेलवे कर्मचारी की जमकर पिटाई की है। दरअसल महिला मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के काउंटर पर टिकट लेते समय अपना मोबाइल फ़ोन भूल गई थी। मोबाइल लौटाने के बजाय कर्मचारी ने मोबाइल रख लिया। महिला द्वारा जब उससे मोबाइल के बारे में पूछताछ की गई तो उसने कहा, मुझे नहीं पता, मगर पास में ही मोबाइल का कवर ज़मीन पर पड़ा मिला, जिसके बाद महिला ने कर्मचारी की पिटाई कर दी। तो हम लोग खार जा रहे थे, तो टिकट निकालने को वहाँ गई काउंटर पे, तो उन्होंने वहाँ पे अपना मोबाइल छोड़ दिया। हमने बोला चलो पूछताछ करते वहाँ पे जाके, तो हमने वो टिकट मास्टर को पूछताछ किया, तो उन्होंने बोला हमको मालूम नहीं है, कोई लेके गया होगा मोबाइल। और हम अंदर जाके उससे बात कर रहे थे तो एक कोने में मोबाइल का कवर फेंका हुआ था। तो वो लड़की जाके बोली, हाँ मेरा ही मैडम मोबाइल का कवर है। फिर उसको हमने पूछा कि मोबाइल कहाँ है, पहले बोला कि हमको मालूम नहीं है। उसके बाद हमने बोला मोबाइल कहाँ है बता दो, तो उसने मोबाइल निकाल के हमको दे दिया। हम लोग चुपचाप निकल चुके, तो हम लोग रिटर्न आए वापस। फिर हमने उसको पूछा सिम कहाँ है, तो वो नहीं बता रहा कि हमको मालूम नहीं करके बताया, तभी हमने उसकी पिटाई कर दी। बिहार के बक्सर के रहने वाले गुड्डू को पुलिस ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को जान से मारने के आरोप में गिरफ्तार किया है। गुड्डू ने मैसेज के जरिए धमकी दी थी। बताया जा रहा है कि गुड्डू ने सुर्खियों में आने के लिए ऐसा किया था। राजस्थान के बाड़मेर में रविवार को एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान आंधी और तेज बारिश की वजह से पंडाल गिर गया, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई तो 26 लोग घायल बताए जा रहे हैं। खबर भी सामने आ रही है कि बिजली का खंभा गिरने से कई लोग करंट की चपेट में भी आए, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। रामकथा सुनने के दौरान हादसे में मरने वालों को प्रधानमंत्री सहित कई नेताओं ने शोक जताया। मुजफ्फरपुर से हैवानियत भरा एक तस्वीर सामने आया है। मामला अवैध संबंधों का बताया जा रहा है, मगर दबंगों के तालिबानी फैसले से गांव में ही इस महिला और पुरुष की लात घूसों और लाठी डंडों से हैवानियत का खेल खेला गया। लोग तमाशबीन बनकर इसे देखते रहे और पुरुष महिला की पिटाई होती रही। पुरुष की इतनी पिटाई हुई कि वो बेहोश हो गया, मगर महिला खुद पीटती रही और पुरुष को भी बचाने की कोशिश करती रही। और जब भी ये मामला संज्ञान में आता है तो बड़ी कार्रवाई होती है, और इस कार्रवाई अच्छी हो इसकी मॉनिटरिंग भी होती है। तो निश्चित रूप से ये बात जो बता रहे हैं FIR में तब्दील होगा और कार्रवाई होगी। दिल्ली में एक शादी समारोह में दो लोग पिस्तौल लहराकर झूम रहे हैं। अगर जरा सा भी चूक से गोली चल जाए तो किसी की भी जान जा सकती है। पुलिस ने इन दोनों की पहचान भी कर ली है। इसमें एक MBBS डॉक्टर जुगनू और दूसरा एडवोकेट हर्ष है। हालांकि एडवोकेट के परिवार का कहना है कि जो हर्ष पिस्तौल लिया है हाथ में, वो एक टॉय गन है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।